ये होबियो इमरजेंसी किट एक बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद ये तैयार की गई है और इस इमरजेंसी किट में बहुत सारी दवाइयां हैं। इसको दो चरण में रखा गया है। एक तो यह आपके इमरजेंसी के समय तत्काल में होने में आपातकाल स्थिति में भी काम करता है। आपातकालीन का मतलब जैसे घर में किसी को चोट लग जाए या कुछ, इसके लिए एक बुकलेट भी दिया जाता है। इस बुकलेट में इसकी सारी जानकारी है और किसी भी तरह का फर्स्ट एड की तरह ये काम करता है। इसमें बैंडेज, कैंची, चिपकाने वाली पट्टी, बैंडेज, रुई, ये सब दिए गए हैं, ब्लेड इत्यादि दी गई है। साथ में मलहम भी है। मलहम इसलिए है क्योंकि कई जगह पे मलहम का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए मलहम दिया गया। इसमें एक नंबर की जो दवा है खाने की, ये एक अच्छी दवा है जो कि आपके घर में खुदा न करे कि या ईश्वर न करे कि किसी को चोट लग जाए, तो ये चोट लगने के तुरंत बाद इसको देनी चाहिए। और आप जानते हैं कि होम्योपैथी में चोट की सबसे बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद एक और दवा है जो आंतरिक चोट लगने पर ही, इसको रुई के फाह में आपके बच्चे अगर गिर जाए या किसी बड़ों को भी चोट लगे तो इस लिक्विड को वहां पे अप्लाई कर दें। फिर एक दो नंबर की दवा है, दो नंबर कट इंजुरी के लिए, जहां पर कि कट छट हो जाए, ब्लड निकल जाए, जैसे कैंची लग गया हो, चाकू लग गया हो, सब्जी काटते वक्त हो गया हो, तो आप इस दो नंबर की दवा को तुरंत वहां पे लगा दें। तत्काल ही उसको कॉटन की सहायता से लगाएं और वो वहां पर ही रक्त तुरंत बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन न हो, इसके लिए खाने की दवा एक अलग से दी जाती है जिसको कि आप खा सकते हैं। साथ में इसके साथ मलहम, कॉटन और बैंडेज दिया जा रहा है कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप मलहम, पट्टी, बैंडेज भी कर सकते हैं अगर ज्यादा गहरा जख्म है तो। ये एक फर्स्ट एड की तरह इस सेट में है। इसके साथ अन्य दवाइयां भी है जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट एड में तीन तरह की हुई, एक आंतरिक चोट, एक कट इंजुरी और एक बर्न इंजुरी। अब आते हैं बर्न इंजुरी के बारे में बात करने के लिए। बर्न इंजुरी के लिए तीन नंबर की दवा है। जैसे कभी आप कोई चाय छान रहे हैं या कोई पूड़ी तल रहा है, कोई एक लग जाता है कहीं पर, छींटा पड़ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके घर में रखा हुआ एक डॉक्टर की भांति काम करता है और इसको तुरंत वहां पे अप्लाई कर दे पानी के साथ मिला के। फिर इसके लिए एक मलहम भी दिया जाता है, उस मलहम को आप उसको वहां पे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ खाने की दवा भी दी जाती है 3B, जो कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन न हो उसके लिए है। तो ये टोटल तीन इमरजेंसी मेडिसिन है जो आपके पास हमेशा रहने चाहिए, आपके घर में रहना चाहिए। एक है आंतरिक चोट, चोट लगने पर ब्लंट इंजुरी, एक है इंजुरी, शार्प इंजुरी, मामूली कटछट के लिए, और तीसरा है मामूली जलन होने पे। अगर इससे फायदा ना हो तो आप डॉक्टर से जरूर चिकित्सीय सलाह लीजिए।